दोस्तों, आप चाहे दुनिया का कोई भी कैमरा ले आओ, लेकिन जिस क्लैरिटी से हम अपनी आंखों से देख पाते हैं, वो क्लैरिटी और किसी भी लेंस में नहीं मिलती। दोस्तों, हम किसी कैमरा की क्षमता को मेगापिक्सल में बता सकते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि हमारी आंखों की क्षमता कितनी मेगापिक्सल होती है। दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारी आंखें मोबाइल या कैमरे से ज़्यादा मेगापिक्सल की हैं, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारी आंखें महज 1.5 से लेकर 2 मेगापिक्सल की क्षमता से ही देखती हैं, जबकि आजकल के स्मार्टफोन्स में आ रहे कैमरे 48 या 64 मेगापिक्सल से भी ऊपर होते हैं। दोस्तों, अब एक और सवाल ये उठता है कि अगर हमारी आंखें 2 मेगापिक्सल की है, तो हम सब कुछ इतना साफ साफ कैसे देख पाते हैं? इसका जवाब है हमारा दिमाग। जी हाँ दोस्तों, जब हम किसी 3D वस्तु को देखते हैं, तो हमारी आंखों में मौजूद ऑप्टिक नर्व्स सारी सूचनाएं हमारे ब्रेन को भेज देती है। आंखों में मौजूद लेंस की क्षमता 2 मेगापिक्सल होने से हमारे दिमाग में जो तस्वीर बनती है, उसमें लाखों करोड़ों काले धब्बे होते हैं। हमारा दिमाग इन काले धब्बों को बड़े ही अच्छे तरीके से भर देता है, जिससे हमें एक साफ सुथरी 3D इमेज देखने को मिलती है। हमारा दिमाग इस काम को करने में बहुत ही कम समय लेता है। साइंटिस्ट का मानना है कि हम जो कुछ भी देखते हैं, उसमें 80 से लेकर 90% योगदान हमारे दिमाग का ही होता है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की जानकारी। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।